गलत फहमी की वजह से हमारे घरों में घी का इस्तेमाल बेहद कम हो गया। आज से 50-60 साल के पहले तो जो डॉक्टर्स कहने लगे कि घी के इस्तेमाल करने से आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो है ये प्लेग फॉर्म करता है ऑरिट्री में और हार्ट अटैक लाता है, तो तकरीबन उस वक्त में तकरीबन लोग 90 साल, 100 साल, 105 साल तक लोग आसानी से ज़िंदगी गुजारते थे। जब से लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है, देखिए कि अभी मौत की जो हार्ट अटैक जो मौत हो रही है हार्ट अटैक की वजह से, वो कम हो गया है कि ज़्यादा हो गया है? तो बेहद ज़्यादा हो गया है। खैर, उसकी वजह सिर्फ घी नहीं है बल्कि जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और हमारा जो लाइफ स्टाइल जो चीज़ें हैं उसका भी है। आज मैं आपको घी के ताल्लुक से बताऊंगा, उसके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स जो हैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि फिर से हमारे घरों के अंदर घी का इस्तेमाल शुरू हो जाए। घी के अंदर देखेंगे तो ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, और जो है कि हमारे वेट गेन होने से और बहुत सारे जो हार्ट के इश्यूज़ को रोकने में मदद करता है। विटामिन के 2 यानी विटामिन के 2 बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, जो कि हमारे ऑरिट्री की जो ब्लॉकेजेस हैं उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में, प्लेग को जो है दूर करने में विटामिन के 2 फ़ायदामंद होता है, और वो विटामिन के 2 इस घी के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, ये जो है विटामिन डी के लेवल को इनक्रीज करती है, जो कि बैड जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी हमारे जो है ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छा बैड कोलेस्ट्रॉल बोलिए या जो है हेल्थी कोलेस्ट्रॉल बोलिए, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो है मदद करता है। इसी तरीके से इसके अंदर ब्यूट्रिक एसिड होती है, जो हमारे बोल्स मूवमेंट, इंटेस्टाइन के जो बोल्स मूवमेंट्स होते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन और इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फ्लामेशन होते हैं, आंतों, इसको बोलते हैं आंतों की सूजन, जैसा अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और कॉन्स्टिपेशन में भी बड़ा फ़ायदा करती है। और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सूजन है, हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में जो सूजन है उसको ये कम करने में और हाजिमे के लिए, डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कंजुकेटेड लियोनिलिक एसिड कहते हैं, ये हमें वेट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जो लोग, जिसकी जो है बिल्ली बहुत ज़्यादा बाहर रहती है, जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं, खासकर जो बिल्ली फैट को अगर कम करना चाहते हैं, वो लोग जो है घी का इस्तेमाल करें, ये जो है हमारी बेली फैट को कम करने और खासकर जो थाई और हिप के जो खास जो मसल्स वहाँ पर जो बढ़ जाते हैं, फैट जो डिपॉजिट हो जाता है उसको कम करने में ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा जो है ये कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो है पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो है ब्लड के अंदर जो है बहुत सारे अच्छे हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर भी वो फ़ायदा करता है, इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए भी फ़ायदामंद करता है। इसके काफ़ी रिसर्च हैं, बट टाइम मेरा हो रहा है, शॉर्ट में मुझे बताना है। तो इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन ई, ये जो है हमारे जो लिवर को हेल्थी रखते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस रखने की वजह से, ये घी जो है जो इनफर्टिलिटी के अंदर, आप देखोगे कि यूनानी और आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर जो लोग इनफर्टिल होते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते, चाहे वो मर्द और फीमेल हो, खासकर फीमेल को जिसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं यूट्रस से, उसमें घी खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो घी जो है वो बहुत सारे जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारे जो है बॉडी के अंदर, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और जो है ये हमें थायराइड के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए ये फ़ायदा करता है। सिर्फ करना क्या है कि हमारे घी, हमारे घरों के अंदर फिर से घी का जो इस्तेमाल शुरू करना है।